देखो हम लोग आते हैं मेथड फोर की तरफ। मेथड फोर जो है, ये मेथड फोर ये है हम लोग का ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बेसिकली ये हम लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर रहे। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे रहे 5x² + 3x + 2, तो यहाँ देखो कुछ कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं लगने वाला, यहाँ पे ग्रुपिंग भी नहीं होगा, तो अब करेंगे क्या? तो इसको करने के लिए हम लोग आते हैं ट्राइनोमियल को सॉल्व करते हैं। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल को सॉल्व करने का सबसे पहला चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का है क्या, x² + 7x + 12। एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है? कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं के साथ नहीं होता मतलब क्या होता, वन है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहला स्टेप में होता है 1 × 12। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी होता, अगर मान लो यहाँ 2 होता तो 2 × 12 करते, यहाँ पे 3 होता तो 3 × 12 करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग का 1 है और यहाँ 12 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 × 12। 1 × 12 क्या होगा, 12। इसका हम लोग फिर स्टेप 2 में करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 12, एलसीएम ऑफ 12 क्या आएगा, देखो 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से लेंगे तो 6, 2 से आएगा 3, तो ये एलसीएम आ गया। हम लोग को मेथड में ये करना रहता है कि एड सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल टर्म आना चाहिए, क्योंकि देखो 3 × 2 = 6 देखते हैं, 3 × 2 = 6 हो रहा है, 6 + 2 क्या आएगा, 8 आ रहा है, मेरे को लाना 7 है, तो वो नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट क्या लगाएंगे, 2 × 2 = 4, तो देखो 4 + 3, 4 + 3 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब स्प्लिट होके देखो ये चीज आ जा रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखे, 7 को ब्रेक करके 4 और 3 के टर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 4x + 3x और प्लस क्या आ गया, 12। अब क्या आ गया, यहाँ पे ग्रुपिंग लगाएंगे, ये दो में ग्रुपिंग, ये दो में ग्रुपिंग, ये दो में ग्रुपिंग लगाएंगे तो क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा, तो बचेगा क्या, x + 4। इस दोनों में अगर 3 को कॉमन निकालेंगे बचेगा क्या, x + 4। ये सेम पहले जैसे ग्रुपिंग में सीखे थे, क्या होगा, x + 4 को लिख दिए और x + 3 को लिख दिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था हम लोग का, x² - 5x + 6। देखो स्टेप 1 क्या था, ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1, तो 1 × 6 क्या होगा, 6, 6 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2 × 3 = 8, मेरे को ब्रेक करके क्या लाना है, -5 विद साइन लाना, मतलब ब्रेक करके मेरे को लाना क्या है, ये वाला -5 लाना है, तो ये -5 आएगा कैसे, -3 - 2, देखो -3 - 2, -3 - 2 मिला के क्या आ गया, -5 आ गया हम लोग का। तो इसको हम लोग स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, x² पहले की जगह -3x - 2x + 6, ये दो में कॉमन क्या निकलेगा, x, तो बचेगा क्या, x - 3। इस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, -2, तो बचेगा x - 3। अब फिर ये पहले जैसे ग्रुपिंग आ गया x - 3 और यहां लिख देंगे x - 2, जो बचा उसको लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, a² - a - 6, यहां पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, तो 1 × 6 करेंगे तो क्या आ गया, 6, 6 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2 से 3, मतलब ब्रेक करके, यहां भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ब्रेक करके मेरे को लाना क्या है, 1, तो देखो 3 - 2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे -3 है, तो यहाँ जब स्प्लिट करेंगे, यहां ध्यान देना, a² - 3a + 2a - 6। अब यहां माइनस यहां प्लस क्यों लिए, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और क्योंकि यहां साइन माइनस का है तो बड़ा के साथ माइनस साइन लगाएंगे। ये दोनों में अगर a कॉमन निकालेंगे बचेगा क्या, a - 3, इस दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, नंबर में 2 निकलेगा, बचेगा क्या, a - 3, तो a - 3 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, यहां बचेगा a+2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहां इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे 1 था, यहां पे क्या है, 6 है, और यहां क्या है, 2 है, तो सेम स्टेप है, क्या है, पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = क्या आएगा, 12, 12 का फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 × 6 = 2 से 3। अब फिर मेरे को क्या करना है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ टर्म लाना है कि स्प्लिट होके 7 आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल, 2 × 2 = 4 + 3, 4 + 3 क्या आ रहा है हम लोग का, 7 आ रहा है, तो हम लोग 4 और 3 ले सकते हैं। तो इसको स्प्लिट करते हैं, देखो स्प्लिट कैसे करेंगे, ये जो पहला 6x² + 7x + 2 है, तो 6x² + 7 को लिखेंगे क्या, 4x + 3x, 4x + 3x कहाँ से आए, क्योंकि ये स्प्लिट होके 4 और 3 आया, तो इसलिए 4x + 3x, प्लस यहाँ क्या लिख दिए, 2। अब फिर क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ये दोनों ग्रुप, ये दोनों ग्रुप,
पहला दो ग्रुप में कॉमन क्या निकलेगा, नंबर में टू निकलेगा क्योंकि टू इसके साथ भी है, तो और वेरिएबल में क्या निकलेगा, एक्स। तो यहाँ बचेगा क्या, 3x प्लस यहाँ बचेगा क्या, 2। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 3x प्लस 2। अब देखो 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 दोनों हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2, नेक्स्ट आएगा 2x प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस 18y माइनस 63y स्क्वायर। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म, मतलब ए एक्स स्क्वायर का टर्म, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करके इस टर्म को हम लोग लिखते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे, -63y² -18y प्लस 1। हम ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुके थे, कोई भी टर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म, ये फॉर्म में होगा तो ही ट्राइनोमियल सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला ब्रेक हो गया, ये इसको हम लोग अरेंज करके लिख दिए हैं, फिर क्या स्टेप वन क्या है हम लोग का, ये और ये को मल्टीप्लाई करेंगे, 63 × 1 क्या आएगा, 63। देखो साइन का भी लेंगे, अभी बताते कैसे लेंगे, 3 21 आया, 3 से 7 आ गया, मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, 18 लाना है। तो देखो 3 3 जा क्या कर रहे हैं, 9, और 9 प्लस 7 करेंगे, 9 प्लस 7 क्या आ रहा है, 16, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये दोनों नहीं ले सकते। फिर ये दोनों देखते हैं, अब ये दोनों देखेंगे तो क्या आएगा, 7 3 21 -3, देखो 21 -3 क्या हो रहा है, 18, मतलब ये चलेगा, तो फैक्टर्स क्या क्या लेंगे, 21 -3, तो यहाँ क्या आएगा, -63y², यहाँ क्योंकि क्या था, माइनस था, तो यहाँ भी माइनस लेंगे, -21y + 3y। क्यों +3y लिए, क्योंकि ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट करके -18 लाना था, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये दो में कॉमन और ये दो में कॉमन, ये दो में कॉमन अगर निकालेंगे तो -21y कॉमन निकलेगा, क्योंकि 21 3 जा होता है 63, तो 21 कॉमन निकलेगा, और ये दोनों में y कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा क्या, y -1। ठीक है, सॉरी यहाँ 3 बचेगा, 3y-1, वैसे ही 3y+1, वैसे ही यहाँ पे +1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 3y+1, तो ये होगा क्या, 3y+1, और यहाँ पे आएगा -21+1, 21y+1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हम लोग का, x² - xy - 30y² ठीक है, यहां देखते हैं, पहला और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप वही है हम लोग का, पहला और इसको मल्टीप्लाई किए, पहला इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया, 30, 30 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2 3 से लेंगे तो 3 1 0 2 5। ठीक है, तुम लोग 2 भी ले सकता था, कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे किए। फिर देखते हैं वही ऐड सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 लाना है हम लोग को। पहले देखते हैं 3 2 6 और 5, मतलब 6 - 5 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 6 और 5 को लेंगे, तो यहाँ क्या होगा, x² - 6xy प्लस क्या होगा, 5xy - 30y². ठीक है, इस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा और इस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, इस दोनों में कॉमन निकलेगा हम लोग का x, तो बचेगा क्या हम लोग का, x - 6y। इस जोन में कॉमन क्या निकलेगा, देखो 5 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो 5 को निकाल सकते हैं कॉमन, y को कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, x - 6y। फिर क्या करेंगे, x - 6y x + 5y, इससे हम लोग का ट्राइनोमियल कंप्लीट होता है।